श्रीवास्तव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विनय एंड इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर क्लास 7 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. सो लेट्स स्टार्ट क्लास विद विनय. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल कॉन्स्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस. नाउ हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ केसेस दे रखे होंगे, आपको उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है वेरिएबल्स की, कांस्टेंट की और अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज करके. ठीक है, सो लेट्स गो टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द सबट्रैक्शंस ऑफ जेड फ्रॉम वाई. नाउ हियर वी सबट्रैक्ट नंबर फ्रॉम जेड वाई. सो वाई माइनस जेड ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ फर्स्ट पार्ट. नाउ वी गो टू द सेकेंड वन, वन हाफ ऑफ द सम ऑफ नंबर एक्स एंड वाई. हमें क्या करना है, यहाँ पर दो नंबर्स हैं x एंड y, उनका सम करके क्या लेना है, हाफ लेना है. सो द सम ऑफ x एंड y हियर x प्लस y एंड द हाफ टू मल्टीप्लाई 1/2 ऑफ सम x प्लस y. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट वन. नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, z को z से ही मल्टीप्लाई करना है. So now the expressions z into z, we get the z square. So this is our expressions. Now we go to the fourth one. The fourth part, 1/4 of the product of numbers p and q. In this statement, हमें क्या करना है, p and q दो numbers हैं, इन दोनों का क्या करना है, 1/4 लेना है. So firstly we find the product of p and q, p into q, we get the 1/4. That means 1/4. So here 1/4 p and q. This is our expression. Now, the fifth part, numbers x and y both squared and added. Now, the firstly, we find the square of both the numbers, x square and y square, and added both the numbers. So, this is our expressions. Now, we go to the sixth part, number 5 added to the 3 times of the product of numbers m and n. हमें क्या करना है, अब हमें 5 नंबर को ऐड करना है 3 times किसके प्रोडक्ट में से, किसका प्रोडक्ट, एम एंड के प्रोडक्ट में से. सो नाउ हियर 5 एडेड टू द 3 टाइम्स ऑफ एम एंड प्रोडक्ट ऑफ एम एंड. सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन. सेवन वन, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वाई एंड जेड सबट्रैक्टेड फ्रॉम 10. सो नाउ फर्स्टली वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड जेड, देयर इज द वाई जेड एंड सबट्रैक्टेड फ्रॉम द जेड 10. दैट मींस द 10 माइनस वाई जेड. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस पार्ट. Now we go to the last one. This is the last part, 8th part. The sum of numbers A and B subtracted from their product. So firstly we find the product of A and B. There is the AB and subtracted by the sum of numbers A and B. So the subtracted the sum of A and B. This is our expression of the last one.